मनुष्य में अंतहीन अपार अतुल्य शक्तियाँ विद्यमान हैं। उसके पास वह सब है जो देवगणों के पास है, जो ईश्वर के पास है। इसलिए मनुष्य ज्ञान के द्वारा अपनी अनंतता, अपनी उच्चता और सर्वव्यापकता का अनुभव कर पाता है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म जैसी दिव्य अनुभूतियाँ मनुष्य को ही शक्य हैं। मनुष्य ही ये अनुभव कर पाता है और ऐसा यह अनुग्रह से होता है। जब देवताओं का अथवा ईश्वर का परम अनुग्रह होता है तब उसे मनुष्य देह मिलती है और वह मुमुक्षु बनकर संतों की अथवा सद्गुरुओं की सन्निधि में सत्य को अनुभूत करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। यह मनुष्यता भगवदी अनुग्रह का परिणाम है और मुमुक्षु होना भी अथवा तो अंतःकरण की संपूर्ण श्रेष्ठताएँ तभी उजागर होती हैं जब मनुष्य के पास महापुरुषों की सन्निधि की एक प्यास जगे, और जब किसी साधक के मन में महापुरुषों के निकट जाने की एक प्यास पैदा होती है तो निसंदेह यह उसके सद्भाग्य का पहला दिवस है और वहाँ पहुँचकर वह अपने परम सत्य को अनुभूत कर पाता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं तीन चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं, मनुष्य होना, मुमुक्षु होना और महापुरुषों की संगति। और जिस दिन ये तीनों योग उसे अनुभूत होने लगते हैं तब जीवन धन्य हो जाता है, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। हम मनुष्य हैं और मुमुक्षु बने और सत्पुरुषों के सानिध्य की ओर चलें।